बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जल्दी से जी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि जी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी इजीली पहुंचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी ये मेरा विलेज है, ठीक है जी। ये देखो आज जी मैं आपको ऐसी फसल का विज़िट करवाने लगा हूँ जिसका जो ख़र्चा है जी सिर्फ़ और सिर्फ 40 से 45 हज़ार रुपये खर्चा है, और 6 माह की फसल है, 40 से 45 हज़ार रुपये खर्चा, और जो उसकी नफ़ा है जी उसका नफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह से 3.5 लाख 4 लाख प्लस है, यानी कि 3.5 तो किसी जगह पे भी नहीं गया, और उसके बाद जी 4 लाख से भी ज़्यादा प्लस जो है उसका प्रॉफिट है। तो आपको उस फसल का जी आज विज़िट करवाते हैं, उस फसल के बारे में आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी ऐसी शानदार फसल है जी। आज से नहीं तकरीबन 10 से 12 साल से हम वो फसल काश्त कर रहे हैं, रेगुलर काश्त करते हैं। आप जी मेरी ये बैक तरफ देख रहे होंगे, ये बैक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह से जी ये गंदम के खेत हैं, और गंदम के खेत के साथ गंदम की फसल के साथ ही जी ये काश्त होती है, इसे जिसे हम आम लफ्ज़ों में जी बिलंगू भी कहते हैं और उर्दू में जिसे हम तुखमलंगा कहते हैं जी। बहुत ज़बरदस्त फसल है जी, कम अपना क्या नाम इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा इसका प्रॉफिट है। तो आज जी आपको इस फसल के बारे में बताते हैं। ये मेरे इस तरफ गंदम के खेत हैं राइट साइड पे, और मेरी जो लेफ़्ट साइड है जी उस तरफ जो हम आपको फसल दिखाने लगे हैं तुखमलंगा के खेत हैं, और ये आप खेत देख रहे हैं जी, ये तुखमलंगा के खेत हैं जिसे हम बिलंगू भी कहते हैं, और अपना क्या नाम इसका ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है और बारिश से इसे बचाना होता है, और इसका जो प्रॉफिट है जी इसका प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसका जी ज़मीन को पहले लेज़र करवाना है, उसके बाद जी हमने क्या करना है जी बीज के साथ वैसे इसको DAP दे दो, पानी लगाओ, जब पानी हल्का हल्का यानी कि सूख जाए तो यानी कि गप छट जिसे जिस जो तरीका होता है गंदम का, जिस तरह गप छट का तरीका होता है उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का पानी होता है, जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए जी, ज़मीन में पाँव धंसने लगे और पानी नज़र ना आए, उस टाइम जी इसको क्या करना है, इसके बीज को छट्टा देना है, और उसके साथ पानी से पहले इसके अंदर DAP को भी हल कर देना है, DAP को भी फेंकना है। अब जी इसको लेज़र करवाना है, और DAP की बोरी 10 से 12 हज़ार रुपये की है, ज़मीन बनवाई का खर्चा तकरीबन 10 हज़ार रुपये, ज़मीन बनवाई का खर्चा रख लो 10 हज़ार की, DAP रख लो 20 हज़ार, और एकड़ में जी 10 किलो 8 किलो 9 किलो बीज फेंकना है, तकरीबन 10 हज़ार का बीज आ जाता है। अब जी कितना खर्चा हो गया जी इसका, 30 हज़ार रुपये मैंने अभी तक खर्चा गिनवा दिया है, 10 हज़ार की DAP, 10 हज़ार जी ज़मीन बनवाई, और 10 हज़ार रुपये जी इसका बीज का, 30 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। इसको ब्लैक तेला लग गया जिसे हम जैसट कहते हैं, सब्ज जैसट या ब्लैक जैसट लग गया है, इसको हमने उसकी स्प्रे करवा देनी है। अब आप देख लोगे माशा से मैं जिस जगह पर ये खड़ा हूँ ना जी, इसकी बड़ी खूबसूरत खुशबू है जी, ये धनिया की शेप का है, जिस तरह पुदीने की शेप ज़्यादा यानी कि ये देते हैं, तो ये फसल जी माशाल्लाह से शानदार फसल इस टाइम खड़ी हुई है इलाके में। तो इस टाइम जी इसकी ग्रोथ भी आप देख लें माशाल्लाह से, ये देखो इसका जो कद है तकरीबन 1 फुट कद हो गया इसका जी, और ये शानदार फसल है, नफ़े बख्श फसल है। तो अब माशाल्लाह से ये इसको फूल लगना शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो इस फसल का अभी तक हमने खर्चा जो है वो 30 हज़ार रुपये कर दिए, हमारे पास ये पूरा एकड़ है जी, हमारे पास इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह से 2.5 एकड़ हमने काश्त किए हुए हैं, और इस एकड़ में जिस तरह ये जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है जी। गाइस आपने ये देखा ये जो शानदार फसल है जी, ये 13 से 14 मन जो है जी वो ये फसल एकड़ से निकलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये गंदम से ज़्यादा प्रॉफिट दे हैं, लेकिन इसको बारिश से बचाना होता है, इसकी जी यानी कि देखभाल बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम जब ये इसको फ्लावर लग जाते हैं बीज बन जाता है, उस बीज को तो मलंगा को हमने महफूज करना होता है, ऊपर जी स्प्रे कर देंगे जैसट की ताकि वो इसके पत्ते ना खा जाएं, और फ्लावर इसको भरपूर लगें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लगें, ताकत वाले फ्लावर जो हैं वो ताकतफुल बन जाएँ, और बीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे, जितने फ्लावर ज़्यादा होंगे उतना बीज ज़्यादा होगा, उतनी इसकी पैदावार इसकी आमदनी में ज़्यादा नफ़ा होगा जी। इसके रेट की बात की जाए, गंदम जो है आजकल बताने को आ रही है जी 5 हज़ार रुपये मन तकरीबन बता रहे हैं, और ये जी यानी कि ये 45 और 50 यानी कि 45 हज़ार से 50 हज़ार प्लस यानी कि इसकी मार्केट में सेल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो इसका रेट है जी, अभी इस टाइम जो इसका रेट है वो 40 प्लस है, वो इसका जी प्रॉफिट माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। अगर ये एकड़ का 10 मन भी निकल आए ना, तो अंदाज़ा लगा लो
40,000 से 10 मन निकल आया तो 4 लाख रुपए की फसल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा इसको एक पानी लगता है बस, जिस पर इसको यानी कि इसके बीज को यानी कि छटा दिया जाता है, एक पानी लगता है इसका। तो अगले साल इंशाल्लाह जब इसके बीज इसकी उगाई होगी ना जी, उस टाइम आपको मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह इसकी उगाई करनी है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नेक्स्ट ईयर में जब हम इसको काश्त करें, इसको जी इसका टाइम आए उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम वीडियो बनाएं तो आपको पता चल जाए। अब 10 मन बिलंगू 4 लाख रुपये का है और ख़र्चा कितना है, 40 से 45 हज़ार रुपया। अभी तक इस पर 30 हज़ार खर्चा हो गया और 20 हज़ार खर्चा कब होना है, कैसे होना है, वो आपको इंशाल्लाह जब इसकी कटाई होगी उस टाइम बताएंगे। और माशाल्लाह से अभी जो खेत है बहुत खूबसूरत खेत है और इसकी जो खुशबू है जी वो बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत खुशबू जी इसकी नज़र आ रही है इस टाइम। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बैग इस तरफ और इस तरफ सारा का सारा जी, ये हमारा अभी एक ही एकड़ है तुख मलंगे का और बिलंगू का। तो अभी 1.5 एकड़ हमारा और जगह पर भी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से इसी तरह शानदार और खूबसूरत है। और गाइस ये देखो माशाल्लाह से ये हमने जी इसके 2 हिस्से बनाए हुए हैं, ये देख लो, और किसी भी जगह पे आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। इस तरफ आप देख लो माशाल्लाह से कैसे ये पौधा इसने बनाया हुआ है अपना, और इस तरफ भी आप देख लो, पूरे खेत में आप नज़र घुमाओ तो आपको किसी भी जगह पे गैप नहीं नज़र आएगा। ये एक जी तरीका भी होता है तो मलंगा को बीज को फेंकने का, और जी एक ट्रिक भी होती है। ये देखो जी माशाल्लाह से किस तरह ये तुखमलंगा के जो पौधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से ये लहरा रहे हैं। तो इसका एक और भी ज़्यादा फ़ायदा है, इसको एक ही पानी लगता है, 2 पानी नहीं लगते, तो इसको एक ही पानी पर हमने पकाना है। अगर हल्की हल्की बारिश आ गई तो वो इसके लिए फ़ायदेमंद है। और जितनी ज़्यादा खुश्क ज़मीन होगी, जितनी ज़्यादा खुश्क ज़मीन होगी उतना ये ज़्यादा फ्लावर उठाएगा। अगर इसको पानी लगाएंगे तो ये कद बढ़ाएगा। अगर ज़मीन को खुश्क रखेंगे यानी कि अगर इसको जितनी भी शिद्दत पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शिद्दत पानी की ज़रूरत है इसको, ज़मीन बिल्कुल खुश्क होकर पत्थर बन गई फिर भी इसको पानी नहीं लगाना, क्योंकि जी इस वजह से नहीं लगाना ताकि जितनी ज़मीन खुश्क होगी उतने इसके फ्लावर ज़्यादा लगेंगे। इसकी ये एक खूबी है जी, बहुत प्यारी खूबी है, अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है जी। और माशाल्लाह से अभी आप देख लें हर तरफ यानी कि जो ये फसल है शानदार खूबसूरत खड़ी हुई है, ये देखो। और उमैर भाई जी हैं, उमैर भाई भी साथ आए हैं जी, तो ये देख लो माशाल्लाह से। अभी ये खेत को आप दोबारा जी निगाह फेरें और ये जी इसकी कॉर्नर है, ये कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक, उस कॉर्नर से लेकर जी इस कॉर्नर से लेकर जी उस कॉर्नर तक अल्हम्दुलिल्लाह से सारी फसल जो है एक ही तरफ एक ही खूबसूरत शानदार खड़ी हुई है। और गाइस मैं तो यही कहूँगा कि इस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करो ताकि कम खर्चा हो, ज़्यादा नफ़ा हो और जी ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जाए। लिहाजा मेरे ख्याल से आपको हमारी वीडियो दिलचस्प लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह जब इसकी कटाई होगी जी, इसकी कटाई होगी उसके बाद जब इसका बीज निकलेगा वो भी आपको दिखाएंगे, फिर आपको यकीन आएगा। और फिर जब हम इसको दोबारा काश्त करेंगे अपना नेक्स्ट ईयर में, अपना अगले साल में, तो बल्कि 2024, अब तो 2000, इसको तो हमने 2023 में काश्त किया ना, तो 2023 के तकरीबन 11वें मंथ में हमने इसको काश्त किया था। अब 2024 है, ये 2024 है, और 2024 के जब 11वें मंथ में हम इसको काश्त करेंगे जी, फिर आपको काइंडली इसका मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे, इसी ईयर के अंदर इसकी वीडियो बनाएंगे और जी आपको ये दिखाएंगे कि वाकई ही इसका कितना ज़्यादा नफ़ा है। आप नेट पर जाकर रिसर्च करें तुखमलंगा की फसल, उसकी प्रॉफिट, उसका खर्चा, तो आपको जी अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जल्दी से नए भाई जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि जी हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँचती रहे। मैं आपका मेज़बान चौधरी उमर, अब तक दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।